जब हमने जबरदस्ती किए है ना तो पलंग के सो क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोल रहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे अपने माई माई के पास सोएंगे, हम उनके पास नहीं। तो हम गए हैं सुहागरात के दिन, तो हमारे से कुछ नहीं बोले बतिया, कुछ कोनो संबंध नहीं किए हैं। उसके बाद हम जबरदस्ती किए हैं तो पलंग के नीचे घुस गया और बोल रहा है कि जाइए मेरे पिता से संबंध कीजिए। तो हम बोले हैं कि नहीं आपके पिता से संबंध हम इस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे जो प्रेमिका है हमसे बात करते हैं, बचपन से प्यार है वो बात करते हैं। उसके बाद हमारे से मिलते जुलते सब कुछ करते हैं। उसके बाद बोले हैं कि ठीक है पूनम जी, आप उसी के नाम से रहना वहाँ पर, हम आपके खुश रखेंगे, हम जो भी खर्चा लगेंगे वो भी हम देंगे, आपसे मिलते जुलते हम भी करेंगे, हमारे साथ वो उसी का नाम रहेगा लेकिन हमारा प्यार दुलार सब तुमके रहेगा, और तुम ही और हम तुम ही के चलते हम जीता है और हमारे चलते तू जीता। तू है मेरा बचपन का प्यार था, उन्हीं से हम लोग शादी किए हैं थावे में जाकर, थावे मंदिर में। और थावे मंदिर कहानी है बच्ची देवी, वो मेरा बोलती है कि इस ऐसी से बच्चा नहीं होगा, इसको बच्चा नहीं होगा, तुम पूनम जी इसका जीवन बर्बाद होगा तुम है इनका साथ, ये वो लड़का नहीं है, किन्नर है, आपका प्यार दुलार नहीं देता है। ये हम लोग शादी ब्याह मेरा माँ बाप किए हैं, तो हम बोले हैं कि शादी ब्याह खाली तुमको हम बना कर खिलाएंगे, उसी से हम निहाल हो जाएंगे, जब हमारा एक संतान नहीं होगा तुमसे तो। तब बोल रहा है कि हमारे बस के बातें नहीं है, बोल रहा है कि आइए नहीं लड़का होखते हैं तो आइए हमारे साथ इंजॉय कीजिए, हम लड़का हो खाते हैं। बोल रहा है कि इसी से लड़का नहीं होगा तो सिम डलवा दीजिए, सिम क्यों नहीं डलवा दीजिए, मेरा पति से बोल रहा है। तो मेरा पति बोल रहा है कि देखिए कैसा मेरा भाई है, कैसा आपको और जिएंगे साथ, जीना है तो साथ में जीना है, मरना है तो साथ में मरना है, सब कसम वसम खाई है। मौका है, मौका में झाँकते हैं और नहाने वाला बाथरूम है उसी में जाकर झाँकते हैं और खाना बनाते हैं, तो मौका है उसी मौका पर। 19 नवंबर को एक लड़की की शादी होती है, बड़े अरमान से धूमधाम से शादी होती है मंदिर में। और शादी होने के बाद जब पति और पत्नी जब जाते हैं बेड पे, तो इनको लगता है कि आज हमारे पति हमारे साथ बहुत बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। सुहागरात जब ये बिस्तर पे जाते हैं तो इनको पता क्या लगता है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इनको बाद में ये पता चलता है कि इनके पति जो है किन्नर है यानी छक्का है। पूरी कहानी क्या है हम जानते हैं, क्या मामला। जब हमने शादी हुए हैं, हमको विदाई करा कर ले गए हैं, उसके बाद हमारे पास वो नहीं आए हैं, तो हम लोग सोचे हैं कि वो हमारे पास नहीं आए हैं, कैसा लड़का है जो हमारे पास नहीं आए हैं। आजकल तो लड़का है जो शादी करते करते अपने बीवी के पास चले जाते हैं, और तो शादी के पहले भी चला जाता है, शादी के पहले भी चला जाता है। हम सोचे हैं कि कैसा लड़का है जो हमारे पास भी नहीं आ रहा है। तो उनका बहनोई जो है राजेश, वो बोल रहा है क्या जे मुकेश तुम जाओ उसके पास सो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोल रहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे अपने माई के पास सोएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। तो बहुत टर्चर किए हैं कि रे माधर चोत साला तुमको ब्याह इसीलिए होगा, तुम जाओ उसके पास सो अपने बीवी के पास, तुमको अलग सोने के लिए ब्याह होगा। तो बोल रहा कि नहीं हम नहीं सोएंगे। तो उसके बाद आए हैं, खाना पीना हम लोग खाए हैं उसी दिन, और उसके बाद खाना पीना खाए हैं, उसके बाद वो मुँह फिर कर उधर सुत गए हैं। हम जो हैं बोले हैं कि क्या पूनम क्या हुआ है, हम कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तब बोल रहा है कुछ भी नहीं किया, हम कहीं नहीं स्वागत मने, हम कहीं नहीं नहीं मने। तब बोल रहा है कि लड़का है ये, आपकी इसको समझ में नहीं आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आप समझदार है, आप पढ़े लिखी है। हम ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा ही करते 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 ही तो हम 7 साल तक डेट कर रहे हैं इनका, तब पूरा भी हमारा मालूम चल गया है। तब जो है ज़बरदस्ती किए हैं कि चलिए हमारे साथ, तो बोल रहा है कि नहीं ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, पलंग के नीचे घुस के बोल रहा है कि हमारे बस के नहीं हैं। तो हम बोले हैं क्यों बस के नहीं है, तो जब आपका बस के नहीं हुआ तो हमारे से शादी क्यों किए हैं। तब बोल रहे हैं कि हम नहीं शादी किए हैं, मेरे माँ बाप शादी किए हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए हम लोग शादी ब्याह मेरा माँ बाप किए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि शादी ब्याह खाली तुमको हम बना कर खिलाएंगे, उसी से हम निहाल हो जाएंगे, जब हमारा एक संतान नहीं होगा तुमसे तो। तब बोल रहा है कि हमारे बस के बातें नहीं हैं। तो हम बोला तो क्यों शादी करे हैं जब आपके बस के बात नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि घर परिवार ने शादी कर दिया तो हम लोग क्या करें। तो बोल रहा है कि जाइए मेरा पिता है ना सपोर्ट कर रहा है, जाइए जब हमारा मतलब जाइए हमारा पिता के साथ इंजॉय करने के लिए, आपके वो खुश रखेंगे, बताइए कि वो खुश रखेंगे क्या, वो उनके हमारे से हाथ पाए धरा हुआ है।
तो बोल रहा है कि जाइए, जो भी दिक्कत हो वो भी उनसे कहिए, उनसे मांगिए। तो हम कहे कि शादी करके आप न लाए हैं, आपके बाप तो नहीं लाए हैं, तो नहीं उनसे मांगिए, हम लोग नहीं देंगे आपको। हम कहे क्यों नहीं देंगे, जब आपको बस नहीं है तो हमारे हाथ पर किसी लड़की को जीवन मत बर्बाद करिए। तो बोल रहा है कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, जाइए उनसे मांगिए, उनसे करिए जो भी करना है। वो भी मेरा ससुर बोल रहा है कि आइए, जो भी दिक्कत है वो भी हमारे से बताना, हम ला कर देंगे, हम तुमको खुश रखेंगे। बताइए, वो हमारा मर्द है। ससुर का हम खुश रखेंगे। हाँ, ससुर बोल रहा है कि हम खुश रखेंगे, जो भी दिक्कत है वो भी हम तुमको ला कर देंगे, पैसा है कौड़ी है हम भी देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि तुमसे कहने के हमारा क्या फर्ज बन रहा है, हम अपने पति से कहेंगे कि तुमसे कहेंगे, तो नहीं पति से कहना नहीं हमसे कहना, बताइए ये गलत बात है कि नहीं। इसके बाद यही हुआ है जो टॉर्चर करके बोल रहे हैं जो आइए हमारे साथ इंजॉय करिए। मेरा ससुर बोल रहा है कि आइए हमारे साथ इंजॉय कीजिए, और जो मेरा जो रिलेशन से हम पैसा लेकर लगाए हैं ना, तो जो मेरा भसुर है महेश, वो बोल रहा है क्या जी, आपने लधी में आपने यार रखे हैं, वही यार से ऊँखी मुझी में हाई हाई काम कराकर आपने पैसा लेकर आए हैं, तो अपना देह में लगवाए हैं। जो उन जो मनसी का भतीजा है मुकेश, वो उनका परचून का काउंटर है लधी में, उन्हीं के साथ हमको गलत मतलब एथी कर रहा है उनके साथ, कि उनके साथ रहते हैं। तो हम बोले हैं कि ठीक है, जब उनके हम साथ रहते हैं तो उनको बुलाकर हम पूछवाते हैं कि आपके साथ हम गलत किए हैं, कि क्या किए हैं जो आपके लगा कर ही बोल रहे हैं। जब भी वो आते हैं हमारे गांव और जाते हैं, बताइए जब एक गांव है तो आएंगे नहीं है, जाएंगे नहीं। तो वो बोल रहा है कि बुलाती है तो आती है और जाती है। तो वहीं हम बोले हैं उनसे जाकर, जो देखिए मुकेश जी ऐसा ऐसा बात मेरा ससुर बोल रहा है, आप क्यों नहीं जाकर टॉर्चर कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि ठीक है हम पूछते हैं। मेरा सास भी है, तो वो भी बोल रही है कि आपको बोल रहा है मुकेश जी कि हम उनको पैसा दिया है, ये दिया है, वो दिया है। तो हम पूछे हैं कि मुकेश जी, हम गए हैं उनके काउंटर पर, तो बोले हैं कि मुकेश जी हमको पैसा दिए हैं आपने, मेरे ससुर से बोले हैं कि हम पूनम जी का पैसा दिए हैं 2000 रुपया। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात तो गलत है, कौन बोल रहा है माधरचूत। तो हम बोले हैं कि मेरा ससुर बोल रहा है। तो वो बोला है मुकेश जी काउंटर वाला परचून वाला बोला है कि ठीक है, उनको बुला कर लाइए और पूछवाइए जे। तो हम बोले हैं कि चलिए उनके पास चलिए, जब वो बोले हैं तो चलिए उनके पास। तो मेरा वो छोड़िए, उसके बाद क्या हुआ, आपका बॉयफ्रेंड कोई है उससे आप शादी किए? हाँ, मेरा पप्पू है, मेरा बचपन का प्यार था, उन्हीं से हम लोग शादी किए हैं थावे में जाकर, थावे मंदिर में, और थावे मंदिर में शादी हुआ था। और मेरा भैया का सरहज भी आई है, मेरे भौजाई भी आई है, खाना वाना हम लोग खाए हैं होटल में, साथ में भी खाना खाए हैं। उसके बाद हम लोग, मेरे भौजाई चले गए हैं, उसके बाद हम लोग दोनों आदमी आए हैं, एक जगह बाइक लगा हुआ है जहाँ से प्रसाद खरीदाए हैं, वहाँ पर हमने 2-3 मिनट बैठे हैं, बैठ कर वहाँ पर मौज मस्ती किए हैं और खाना भी खाए हैं, और फ़ोटो भी वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचाए हैं, हम दोनों आदमी के फ़ोटो खिंचाए हैं वहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ही बोले हैं, फ़ोटो वोटो खिंचा गए हैं मंदिर में, जो हम पाँव छूकर उनका पाँव छुए हैं ना, तो फ़ोटो खिंचाए हैं, और उसके बाद फ़ोटो ले लिया है, निकलवा लिया है कंप्यूटर से, निकलवा कर ले लिए। तो बोल रहे हैं जे पूनम जी, देखिए हम तो आपसे शादी कर लिए हैं, लेकिन ये फ़ोटो जो है ना, फ़ोटो आप मत लीजिए, हमारे की दीजिए, हम अपने रखेंगे, आपका भैया देखेंगे फ़ोटो ना, तो हम दोनों आदमी के मार डालेंगे, इसीलिए डर के मारे हम भी नहीं लाए हैं फ़ोटो। हम बोले हैं कि ठीक है आप ही ले जाइए, हम कहाँ पर रखेंगे। तो वो भी लेकर चले गए हैं, और उसके बाद उनका बोल रहे हैं, सब बात हमें से बताई है कि देखिए पूनम जी, वो शादी हो रहा है वो लड़की से, लेकिन हम इनकार कर दिया है, जो मेरा बाप है ना बैजनाथ जी, वो जबरदस्ती वो शादी कर रहा है, बोल रहा है का जे जबान दिए हैं तो शादी करेंगे। मतलब उस आपके आशिक का दूसरा शादी हो रहा है? हाँ हाँ, वो बड़ा अच्छा मतलब उनका हुआ था, और लड़का ने इनकार कर दिया है, पहले इनकार कर दिया है, हमसे बताई है कि पूनम आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा सब कुछ है, आप भी अच्छा, प्रेग्नेंट भी है, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा पप्पू जी का है, पप्पू जी के पप्पू जी आपके आशिक है? हाँ, हमारा वो प्रेमिका था पप्पू जी, तो वही मरने और जीने की कसम भी खाए हैं हमारे साथ कि मरेंगे और जिएंगे साथ, जीना है तो साथ में जीना है, मरना है तो साथ में मरना है, सब वो कसम वसम खाई है और बोली है हमको कि देखिए पूनम जी, आप शादी तो कर ली हैं, किसी से बात को बताना नहीं, हमारे दिन भर उतराता है, दिन भर उतरा जाइए, मेरा बाप बोल रहा है कि शादी करेंगे। तो हम बोले हैं कि ठीक है शादी करिए, हमारा तो खिलाफ मर्जी नहीं है, उसे तो विरोध करते हैं, और जो पूनम जी है वही हमारा जीवन है, वही हम
तो बोल रहा है कि पप्पू जी की किसी से मत बताना, हमारा दिन भर पैता है, मेरा भैया का फरवरी में शादी है, अगर कोई जानेगा ना तो शादी भी नहीं होगा, कट जाएगा शादी, शादी मेरा दिन भर उतराता है, मेरा साल भर के बाद ना मेरा शादी होगा, तब तक भैया का होगा, तब तक आपका जो हमारा नर्स में हमारा नौकरी लगने वाला है, जो सर है मेरा ब्रह्मा जी सर हैं धोबलिया के हैं, उन्हीं के साथ उनसे बात भी हुआ है, पप्पू जी ने मेरा पति बात किया है उनसे कि मेरा वाइफ है, अपने वाइफ को ससुराल में छोड़े हैं, इनका भाभी को जो डिलीवरी है इसीलिए छोड़े हैं एक महीना के लिए, सर से बात किए हैं, जब उनको देह खाली हो जाते हैं तो अपने वाइफ को श्यामपुर बाज़ार हमने लिया कर नर्स में छोड़ देंगे, तो सर बोले हैं कि ठीक है, तो सर बोले हैं कि वहीं पर रूम वूम सब कुछ है, खाना खुराक सब कुछ मिलेंगे, वहीं पर रहना है, आना जाना नहीं है, आप भी चाहते हैं तो आप भी वहाँ पर जा सकते, आपका प्रेमी नहीं रख रहे, तब हमारा प्रेमी बोल रहा है क्या अपने माँ बाप के दबाव से कि हम तुमको नहीं रखेंगे, ये हमसे बोले हैं कि आप अगर गांव में हलाक कर दिए हैं ना तो आपको हम धोखा देंगे, हम कहें किस लिए धोखा देंगे, जब हमारे से शादी कर लिए हैं तो दूसरा शादी क्यों कर रहे हैं, आप बोल दिए जो हम शादी कर लिए हैं, हमारा भी जीवन बर्बाद करेंगे, फिर उनका भी जीवन बर्बाद करने, पहले बता देने में तो वो लड़का बोल रहा है ना कि पूनम जी आप मत डरिए, आपको अगर अगर हमारे घर के लोग कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे जो नहीं रखेंगे नहीं करेंगे, तो हमारे से वो लड़का बोल रहा है कि दोनों को हम लोग खर्चा देंगे, अगर उस लड़की को रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो जो हमारा पूनम है वहीं रहेगी, हम उनको लेकर पुलिस का क्यों चक्कर लगा रही है, हम थाना पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं कि हम लोग गए हैं ना पंचायत हुआ था तो सरपंच जो है तो सरपंच जो बोले हैं कि पप्पू जी इतनी साल से आप बात कर रहे हैं, लड़की का जीवन बर्बाद किए हैं, अब क्यों इनकार कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर लीजिए, तो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं रख सकते हैं इनको। अच्छा आपका पति किन्नर है? हमारा पति किन्नर है, ये मत ससुर क्या कहता है? ससुर कहता है कि आइए हमारे साथ गलत संबंध बनाइए, तो हम बोले हैं कि नहीं हमारे से नहीं होगा, मेरे भैया गए हैं तो मार पीटते हैं और उनको जल्दी जल्दी मारते हैं पीटते हैं, और कभी हमको लेकर आए हैं बोले हैं कि मेरे बहन नहीं जाएगी उस घर में, तभी उनको धमकी उमकी देकर आते हैं, फिर भी वो आके गोड़ पर गिर जाते हैं मेरे भैया को, अब बोलकर बुला ले जाते हैं, हमारे भैया हमको डांट कर मार कर भेज देते हैं, हम भैया को इज्जत रखते हैं कि ठीक है भैया हम चले जाते हैं, इतना सब देखते देखते तो 7 साल हो गया है। चलिए ये लड़की के आज से 7 साल पहले शादी होती है, शादी होने के बाद इनको इनका एक और प्यार था जो कि बचपन से प्यार करता था इनका, जिनका नाम पप्पू जी है, पप्पू जी से ही प्यार करती हैं, पप्पू जी और आपका नाम पूनम, पप्पू और पूनम की जोड़ी रहती है जो प्यार करती है, इसके बाद इनकी दोबारा शादी होती है, शादी होती है तो इनका जो हस्बैंड है सुहागरात को इनको पता चलता है कि वो किन्नर है, उसके बाद इनका ससुर इनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। हम अपने जो शादी हुआ है तो मेरे पति है मुकेश, वो हम गए हैं सुहागरात के दिन, तो हमारे से कुछ नहीं बोले बतिए, कुछ कोनो संबंध नहीं किए हैं, उसके बाद हम लोग जबरदस्ती किए हैं तो पलंग के नीचे घुस गया और बोल रहा है कि जाइए मेरे पिता से संबंध कीजिए, तो हम बोले कि नहीं आपके पिता से संबंध हम इस नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे जो प्रेमिका है वो हमसे बात करते हैं, बचपन से प्यार है वो बात करते हैं, उसके बाद हमारे से मिलते जुलते सब कुछ करते हैं, उसके बाद बोले हैं कि ठीक है पूनम जी आप उसी के नाम से रहना वहाँ पर, हम आपके खुश रखेंगे, हम जो भी खर्चा लगेंगे वो भी हम देंगे, आपसे मिलते जुलते हम भी करेंगे, हमारे साथ वो उसी का नाम रहेगा लेकिन हमारा प्यार दुलार सब तुमके रहेगा, अगर तुम ही और हम तुम्ही के चलते हम जीता है और हमारे चलते तू जीता है, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो हम मर जाएंगे, अगर मरने से पहले सोच लीजिए मरना है आपको तो हमको मुँगा कर, तब हमारा ससुर अब मौका है मौका में झाँकते हैं और नहाने वाला बाथरूम है उसी में जाकर झाँकते हैं और खाना बनाते हैं तो मौका है उसी मौका पर जाकर सुन शौक सिंगार करते हैं, तो हमारा ससुर ने बहुत हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमको बहुत मेरे गलत निगाह से ताक रहे हैं और हम नहा वहा कर सभी कपड़ा खोल कर रखते हैं, गंजी वंजी और बियर वर है सब कुछ है, कुर्ती और प्लाजो सब कुछ रखते हैं, वो सभी जरा देते हैं हमारे पीछे बहुत हमारे से बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। ठानी है बच्ची देवी, वो मेरा बोलती है कि इस ऐसी से बच्चा नहीं होगा, इसको बच्चा नहीं होगा, तुम पूनम जी इसका जीवन बर्बाद होगा तुम्हें इनका साथ, ये वो लड़का नहीं है किन्नर है, आपका प्यार दुलार नहीं देता है, तो हम बोला है कि सही में बोल रहे हैं हमारा भी जीवन बर्बाद होगा, तो वो जो मेरा ससुर है रामनाथ बोल रहा है कि आज आइए सिम डलवाते हैं नहीं तो आइए हमारे साथ इंजॉय हम करते हैं हम लड़का हो, तो मेरा ससुर बोल रहा है कि आइए नहीं लड़का होते हैं तो आइए हमारे साथ इंजॉय कीजिए हम लड़का हो खाते हैं हम खुश रखेंगे, तो हम बोले हैं कि वही नियत करना है, तो मेरा भौसुर भी है महेश ना बोल रहा है कि आज दवाई हमारा चल रहा है बरौली का
तो मेरा भसुर है बोल रहा है कि इसी से लड़का नहीं होगा तो सिम डलवा दीजिए, सिम क्यों नहीं डलवा दीजिए, मेरा पति से बोल रहा है। तो मेरा पति बोल रहा है कि देखिए कैसा मेरा भाई है, कैसा आपको नया लगा रही है, कैसा बोल रहा है, भसुर है। तो बोल रहा है कि जाकर सिम डलवा दीजिए जब नहीं लड़का हो रहा है तो। मेरा ससुर बोल रहे हैं ना कि ऐसा करवाए धरवाएंगे ना कि आपका बाल बच्चा कोई कोई भी नहीं होगा, मेरा ससुर बोल रहे हैं।